में 14 सितंबर को 19 साल की एक लड़की से गैंगरेप होता है। इतनी हैवानियत होती है कि 15 दिनों के बाद लड़की की मौत हो जाती है और फिर पुलिस बिना घर वालों को बताए रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर देती है। जब मीडिया में सवाल होते हैं और विपक्ष सीधे तौर पर सीएम योगी को घेरने की कोशिश करता है तो फिर यूपी पुलिस मामले की लीपापोती करने में जुट जाती है। केस नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनता है, इसीलिए लोगों का ध्यान इस ओर जाता है। लेकिन यूपी पुलिस के ऐसे भी कारनामे हैं जिन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ध्यान से देखेंगे तो राम राज्य का दंभ भरने वाली पुलिस के दामन पर सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे ही नजर आएंगे। हाथरस केस में जो हुआ सबने देखा। मीडिया में खबर आई कि लड़की की जीभ काट दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई हैं और उसके साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। लेकिन पुलिस ने खारिज कर दिया, कहा कि जीभ नहीं काटी गई है, रीढ़ की हड्डी भी नहीं टूटी है। चलिए पुलिस की बात मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मीडिया में दिखाया गया, तो फिर सोशल मीडिया पर हाथरस के डीएम और सरकार की ओर से मुआवजे की बात क्यों कही जा रही है? क्यों पीड़ित परिवार के लिए आपका दिल इतना बड़ा हो गया कि आप नकद पैसे, मकान, सरकारी नौकरी सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं? कुछ तो है जो यूपी पुलिस और सरकार छिपा रही है और मुआवजे के जरिए उसे ढकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में कुल 14 मामले सामने आए हैं। इनमें से 11 मामले रेप के हैं और 3 मामले गैंग रेप के, सबके सब 7 जिलों अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झांसी, जौनपुर और मुजफ्फरनगर के हैं। लेकिन योगी सरकार की राम राज्य वाली पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की है और इन एफआईआर को दर्ज करने में पुलिस ने 2 दिन से लेकर 228 दिनों की देरी की है। 6 मामले ऐसे हैं जिनमें पीड़िता और उसके घर वालों को थाने से भगा दिया गया है। जब मामला बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा तो केस दर्ज हुआ। बाकी के 5 मामले तो ऐसे हैं कि कोर्ट को एफआईआर का आदेश देना पड़ा, तब जाकर मामला दर्ज हो पाया। और सुनेंगे यूपी पुलिस के बारे में, तो सुनिए इन 14 में से 12 मामलों में पीड़िता का बयान महिला पुलिस ने नहीं बल्कि पुरुषों ने लिया था, जो सीधे तौर पर कानून के खिलाफ है। सीआरपीसी की धारा 154 में साफ तौर पर लिखा गया है कि यौन अपराधों के लिए पीड़ित महिला का बयान महिला पुलिस ही लेगी। लेकिन यूपी पुलिस को कानून की पड़ी ही कितनी है, खुद ही कर लिया बयान रिकॉर्ड, जरूरत भी नहीं समझी कि महिला पुलिस को बुलाया जाए। और सुनिए, अपने बल पर पुलिस ने हर संभव कोशिश की मामला दब जाए, पीड़िता केस वापस ले ले, लेकिन किसी तरह से मामला सामने आ ही गया। फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं। जो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में 8 महीने लगा देती है वो जांच करके नतीजा दे देगी, तो दुनिया के आश्चर्यों के लिस्ट में इसे भी रखना ही पड़ेगा, यूनेस्को को विरासत का दर्जा देना पड़ जाएगा। लेकिन धैर्य रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये यूपी पुलिस है। आप कोसते रहिए, हाथरस के लिए इंसाफ मांगते रहिए। और इस बीच बलरामपुर में एक और लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। ये ठीक उसी 29 सितंबर की घटना है जिस दिन हाथरस की पीड़िता ने दम तोड़ा है। बलरामपुर की लड़की 21 साल की थी जिसका गैंगरेप किया गया, फिर उसकी कमर तोड़ दी गई और उसके बाद उसके पैर तोड़ दिए गए। उसे रिक्शा पर बिठा कर घर भेज दिया गया। घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके ठीक 24 घंटे के बाद आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची से रेप हुआ। बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची से रेप हुआ। फतेहपुर में 7 साल की बच्ची से रेप हुआ। पुलिस कह रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ये नहीं बताती कि ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है। क्यों यूपी पुलिस का इकबाल इतना कम हो गया है कि रेप और गैंगरेप की घटनाएं रुक ही नहीं रही हैं? आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपको शायद
योगी जी के ट्वीट और योगी जी के एक मंत्री के बयान से मिल जाएगा। हाथरस केस में योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की है और एक्शन लेने को कहा है, लेकिन महाराज आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी आपको फोन करेंगे, फिर आप उस बात को ट्वीट करेंगे और उसके बाद आप एक्शन लेंगे? वाह, और आपके मंत्री तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। 19 मार्च 2017 को यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। 3.5 साल से वो सत्ता संभाल रहे हैं। पुलिस उनकी है, कानून उनका है, और अब उनके मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं कि बसपा और सपा ने यूपी में जंगल राज बनाया है। हाँ मंत्री जी, लेकिन ये बात तो कम से कम 3.5 साल पुरानी है। सपा को सत्ता से निकले 3.5 साल हो गए हैं, बीएसपी को तो 8.5 साल हो गए हैं। आपने तो ऑपरेशन दुराचारी चलाया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनवाया, पता नहीं और क्या क्या किया। बस बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, विपक्ष के नाम पर ठीकड़ा फोड़कर आप कब तक खुद को बचाते रहेंगे? बाकी जाते जाते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके राम राज्य के कुछ आंकड़े बता देती हूँ। यूपी में हर दिन महिलाओं के खिलाफ 162 अपराध होते हैं, हर घंटे 7 अपराध होते हैं, हर रोज 42 किडनैपिंग होती है, हर दिन 11 बलात्कार होते हैं, और ये सब आंकड़े सपा, बीएसपी, कांग्रेस और नेहरू जी के जमाने के नहीं हैं, आपके जमाने के हैं साहब, तब के हैं जब से आपने सत्ता संभाली है। अब अगर आपको खुद का घिरेबान नहीं झांकना है तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।